तो अगले चार सत्रों में हम यहाँ पर ध्रुव महाराज के चरित्र का वर्णन करने का प्रयास किया जाएगा। वैसे आज ज़्यादा आज मुझे एक और क्लास देना है रात को 10:30 बजे ऑनलाइन, तो उसमें नारद जी का चरित्र है, तो दिन भर नारद जी का चरित्र ही पढ़ रहा था। जब ध्रुव महाराज का चरित्र पढ़ना चालू किया तो बहुत सारी बाधाएं आ गई। ये ध्रुव और ध्रुव महाराज का जो चरित्र है वो मैत्रेय और विदुर जी के बीच में संवाद है। साधारणतः ऐसा होता है कि मैत्रेय वक्ता एक होता है और सुनने वाले बहुत होते हैं। जैसे सुखदेव गोस्वामी प्रवचन कर रहे थे तो बहुत सारे लोग सुन रहे थे। सुत गोस्वामी प्रवचन कर रहे थे तो 88,000 ऋषि सुन रहे थे। यहाँ पर मैत्र ऋषि प्रवचन कर रहे हैं और सुनने वाले कौन है? एकमात्र विदुर जी। तो ऐसा भी होता है, 1-to-1 कन्वर्सेशन। मैत्रेय जी एक बहुत विशिष्ट सौभाग्यशाली व्यक्ति है। हमने उद्धव जी की महिमा के बारे में सुना होगा, बहुत सारे भक्तों की महिमा के बारे में सुना होगा, लेकिन जब भगवान अप्रकट होने वाले थे, अप्रकट होने से पहले उन्होंने उद्धव जी को उपदेश किया। उद्धव 11वें स्कंद में उद्धव जी को जो उपदेश किया है, लेकिन साथ ही साथ वहाँ पर मैत्र ऋषि भी वहाँ पर उपस्थित थे और मैत्र ऋषि ने वो सारा जो संवाद चल रहा था वो सारा सुना था। और भगवान ने विशेषकर आदेश दिया मैत्र ऋषि को कि आगे जाकर यह विदुर जी को सुना देना। जब विदुर जी को लात मार दी गई, दुर्योधन ने लात मार दी, तो विदुर जी सारे तीर्थ क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे थे भारत के। और भ्रमण उन्होंने जिस तरह से बलराम जी ने युद्ध में कोई सहयोग नहीं किया, वैसे ही जो विदुर जी थे उन्होंने भी युद्ध नहीं किया। वे समस्त भारतवर्ष में जितने सारे तीर्थ क्षेत्र है वहाँ घूम रहे थे और घूमते घूमते विदुर जी पहुँच गए वृंदावन, और वहाँ पर उनकी मुलाकात होती है भगवान के प्रेमी भक्त उद्धव जी से। साधारणतः जब हम लोग किसी वरिष्ठ व्यक्ति को मिलते हैं, उम्र में यद्यपि उद्धव जी कम थे, विदुर जी से कम उम्र के थे, लेकिन वे जानते थे विदुर जी के बहुत ही निकटतम व्यक्ति है भगवान श्री कृष्ण के। इसलिए विदुर जी उद्धव जी के चरणों में विनंती करते हैं कि कृपया करके मुझे कुछ उपदेश दीजिए। अभी जब हमारे से कोई वरिष्ठ व्यक्ति इस तरह से नम्रता से पूछता है तो हमें बड़े सावधान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुरंत उपदेश चालू कर दिया जाए, बड़ा सावधान होना चाहिए। यहाँ पर इस प्रसंग में दिखता है, यहाँ पर उद्धव जी चाहते तो उपदेश दे सकते थे विदुर जी को, लेकिन उद्धव जी ने क्या किया, भगवान ने जो इंस्ट्रक्शन दिया था मैत्रेय ऋषि को वो उन्होंने सुना दिया कि विदुर जी मुझे तो भगवान ने आदेश नहीं दिया कि आपको कोई उपदेश देना है, आपके लिए भगवान ने उपदेश जो है वो मैत्रेय ऋषि के पास रखा है और इस समय मैत्रेय ऋषि हरिद्वार में आपका इंतज़ार कर रहे हैं, तो आप शीघ्र यहाँ से हरिद्वार चले जाइए। तो विचार कीजिए,
विदुर जी की क्या स्थिति हो गई होगी कि भगवान जाते समय इस धराधाम को छोड़कर जब स्वधाम जा रहे थे, कृष्ण स्वधाम भगते, तो जब जा रहे थे अपने धाम में, तो विदुर जी को क्या सुनाई पड़ा कि भगवान ने मेरे लिए उपदेश छोड़ दिया है। तो ये सुनकर जो विदुर जी जो थे वो गदगद हो गए। और विदुर जी जल्दी जल्दी हरिद्वार पहुँचे। जैसे आप, यदि आपको बताया जाए कि आपके लिए आपके गुरुदेव ने एक संदेश भेजा है और इस व्यक्ति के नाम पास रखा गया है संदेश आपका, तो आप क्या करेंगे? सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे सब कुछ छोड़ छाड़ कर दौड़ेंगे आप कि भाई मेरे लिए गुरुदेव ने कोई संदेश भेजा है। क्या भेजा है? तो कहाँ पर भी होगा, आप अमृतसर में और संदेश होगा कन्याकुमारी में, तो आप दौड़ जाएंगे वहाँ पर। चलिए चलना, गुरुदेव का आदेश मिला है, सुनना चाहिए, क्या है मेरे लिए इंस्ट्रक्शंस। तो विदुर जी वहाँ जाते हैं, विदुर जी और मैत्रेय ऋषि को प्रणाम करते हैं और मैत्रेय ऋषि को प्रश्न पूछना प्रारंभ करते हैं। पूरे भागवत में ये प्रश्न और उत्तर ही है। आप यदि देखेंगे कि जो वन्य जो जंगली जानवर होते हैं या जो जीव होते हैं, प्राणी इत्यादि होते हैं, उनमें भी यह प्रश्न उत्तर हमेशा चालू रहता है। जब हम सुबह सुबह उठते हैं तब जो चिमनियाँ होती हैं उनकी चू 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 सुनाई देती है, कौवे सुनाई देते हैं, कुत्ते भौंकते हुए सुनाई देते हैं, तो आपस में चर्चा करते रहते हैं। एक कुत्ता प्रश्न पूछता है, दूसरा कुत्ता जवाब देता है। एक कौवा प्रश्न पूछता है, दूसरा कौवा जवाब देता है, तो ये चालू रहता है। और सबसे ज़्यादा प्रश्न उत्तर कौन करता है? मनुष्य। वे तो करते ही है, लेकिन हम लोग भी करते हैं। जो बिजनेसमैन होते हैं वो बिजनेस वाले प्रश्न करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे आप लोग व्यापारी लोग हैं, तो आपको तो बहुत सारे प्रश्न उत्तर चालू रहता है, दिन भर प्रश्न उत्तर ही चलता रहता है। ये किया कि नहीं किया, वो किया कि नहीं किया, इसने किया, अरे पैसा आया कि नहीं आया, यही सब दिन भर है। जो वकील होते हैं वो कोर्ट में चर्चा करते रहते हैं। तो जीवों में स्वाभाविक रूप से चर्चा करने की लालसा है। तो इस लालसा को संतुष्ट करने के लिए भगवान ने श्रीमद् भागवत हम सबको दिया है। कि श्रीमद् भागवत में भी बहुत सारे प्रश्न उत्तर है, ऐसे भी प्रश्न है जो हमें आएंगे और ऐसे भी प्रश्न है जो हमारे समझ में नहीं आएंगे, लेकिन उसमें उस भागवत में रखे गए हैं। तो कई प्रकार के प्रश्नों का उत्तर श्रीमद् भागवत में है। भागवत का आश्रय ग्रहण करने से तीन गिफ्ट हमें मिलते हैं। सर्वप्रथम तो जितने सारे संदेह हमारे हृदय में होते हैं वो मिट जाते हैं, क्योंकि भागवत जो है वो सारे प्रश्नों का उत्तर है। तो जितने सारे प्रश्न हमारे हृदय में, जितने सारे संदेह हमारे हृदय में है, वो भागवत दूर करता है। जो साधु होते हैं वो भागवत की चर्चा करते हैं। जो भगवान इस धराधाम पर आते हैं तो भगवान क्या करते हैं, विविध प्रकार की लीलाएं करते हैं। क्यों करते हैं भगवान लीला? तो वो अपने धाम में भी करते हैं। तो यहाँ पर विशेष करके इस धराधाम पर प्रकट होने के पीछे उनका क्या प्रयोजन होता है? उनका प्रयोजन ये होता है कि जो संसार के जो बद्ध जीव है वे जब भगवान की उस दिव्य लीला को देखेंगे तो उनकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे, उनके भक्त बन जाएंगे। तो वही कार्य साधुओं का भी होता है। भगवान तो आज धराधाम जा चुके हैं, लेकिन भागवत के रूप में भगवान आज भी हमारे सामने उपस्थित है। तो साधु जो रहते हैं वो क्या करते हैं, भागवत में जो भगवान के गुण रूप लीला इत्यादि का जो चरित्र है वो ब्रॉडकास्ट करते हैं। आप लोगों का व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप होगा ना, उसमें आप लोग न्यूज़ ब्रॉडकास्ट करते हैं। तो साधु लोग क्या करते हैं, वो भगवान के गुण रूप लीला आदि को ब्रॉडकास्ट करते हैं। उससे क्या होता है,
संसार के बद्ध जीव जब वो भगवान के लीलाओं को सुनते हैं और कानों के माध्यम से जब वो हृदय में जाती है, तब क्या होता है, जितना भी जीव का अभद्र है संसार बंधन है, वो खत्म हो जाता है। तो पहला होता है कि सारे डाउट्स खत्म हो जाते हैं, सारे संदेह मिट जाते हैं, और जब संदेह मिट जाता है तब अतूट अविचल श्रद्धा भगवान में होती है। भगवान में दृढ़ श्रद्धा होना आवश्यक है, उसके लिए सारे संदेह मिटने बहुत आवश्यक है, इसलिए हमें भागवत का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। दूसरा, कर्म बंधन समाप्त होता है, और तीसरा क्या है, भगवान के चरण कमलों में प्रेम वे भागवत प्रदान करता है। तो भागवत का आश्रय ग्रहण करने की ये तीन एडवांटेजेस है जो पद्म पुराण में लिखे गए हैं। अब मैत्री ऋषि विविध प्रकार के प्रश्नों को विदुर जी सुनते हैं और धीरे 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 करके उनका उत्तर प्रारंभ करते हैं। जब विदुर जी स्वयं वो मनु के पुत्रों के बारे में चर्चा करना प्रारंभ करते हैं, तो उसमें उत्तानपाद महाराज का वर्णन आता है, और उनके दो पुत्र होते हैं, एक उत्तानपाद है और प्रियव्रत और उत्तानपाद। धन्यवाद, जय हो, श्रीमद् भागवत की जय। अब प्रियव्रत जो होते हैं वो प्रथम पुत्र होते हैं और उत्तानपाद है वो छोटे होते हैं। तो स्वाभाविक ऐसा होता था कि जब भी चर्चा होती थी तब पहले वाले बेटे के बारे में चर्चा होती थी, उसके बाद में छोटे वाले। हम भी इंट्रोड्यूस करते हैं तो पहले अपने पहले बेटे को इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर छोटे को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो चर्चा का स्वाभाविक चर्चा ऐसी होनी चाहिए कि पहले प्रियव्रत महाराज के जीवन चरित्र को बताया जाए, उसके बाद उत्तानपाद के चरित्र को बताया जाए। लेकिन मैत्रेय ऋषि ने जब उत्तानपाद महाराज का जब नाम लिया तो उनके हृदय में ध्रुव महाराज के चरित्र को गाने की इतनी लालसा बढ़ गई कि उन्होंने सीधा ध्रुव महाराज का चरित्र प्रारंभ कर दिया। प्रियव्रत महाराज का चरित्र उन्होंने बाद में डिस्कस किया है। तो उत्तानपाद महाराज की दो पत्नियां थी, एक थी सुरुचि, दूसरी थी सुनीति। सुरुचि उत्तानपाद महाराज को बहुत प्रिय थी, और सुनीति जो थी वो यद्यपि पटरानी थी, अर्थात पहला विवाह महाराज को उन्हीं से हुआ था, लेकिन वह उन्हें ज़्यादा प्रिय नहीं थी। इसलिए उत्तानपाद महाराज ने उनको एक दूर एक छोटा सा महल बनाकर दे दिया था, कहें कि तुम वही रही हो। और यहाँ पर उत्तानपाद महाराज अपने पुत्र उत्तम और अपनी पत्नी सुरुचि के साथ अपने बड़े महल में निवास करते थे। अब स्वाभाविकता जिनके घर पे दो या तीन पुत्र है उन्हें पता होगा कि जब एक पुत्र को आप उठाते हो गोद में तो स्वाभाविक रूप से जो दूसरा पुत्र है वो बोलेगा कि मुझे भी उठा लो। और ध्रुव बार बार आया करता था, आना जाना तो चालू होता था, अपने महल से महाराज अपने पिता को मिलने के लिए आया करता था। उत्तानपाद महाराज अपने आसन पर बैठे हुए थे, सिंहासन पर बैठे हुए थे, उत्तम उनके गोद में खेल रहा था। स्वाभाविक रूप से ध्रुव जब पहुंचता है अपने पिता के दर्शन करता है, प्रणाम करता है, स्वाभाविक रूप से उसकी भी लालसा हो जाती है कि उत्तम एक गोद में बैठा है तो दूसरा गोद खाली है, तो वे जो ध्रुव है वो पिता के गोद में चढ़ने का प्रयास करता है। अब बाजू में कौन खड़ी है, सुरुचि माता। यहाँ पर उत्तानपाद चाहे तो उस ध्रुव को उठा सकते थे, उठाकर अपने गोद में रख सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। क्यों? क्योंकि वे सुरुचि में बहुत आसक्त थे। प्रभुपाद जी परपट में लिखते हैं कि जब किसी मैं नहीं बोल रहा हूँ प्रभुपाद जी बोल रहे हैं
जब किसी स्त्री को ये पता चलता है कि उसके पति उसके कंट्रोल में है और जो वो बोलते हैं वो करते हैं, तो वो उनका अनड्यू एडवांटेज लेती है, फिर जो काम करवाना करवा लेती है। तो यहाँ पर सुरुचि को भली भांति पता था कि उत्तानपाद महाराज तो एक इंच नहीं हिलने वाले हैं, ध्रुव को उठाने की बात तो दूर है। तो सुरुचि माता ने जब ध्रुव का यह प्रयास देखा, तब सुरुचि ने ध्रुव को उपदेश ईर्ष्या और द्वेष के कारण उपदेश करना चालू कर दिया। अब ध्रुव एक छोटा सा बालक था, 5 साल का बालक था, तो उसके प्रति ईर्ष्या और द्वेष उसे शोभा नहीं दे रहा था। लेकिन यही जो घटना है, इस घटना से ध्रुव महाराज को भगवत प्राप्ति होने वाली थी। हमारे जीवन में भी कुछ ऐसी घटनाएं होती है, कभी कभी कोई कुछ बोल देता है तो हमेशा ये नहीं, ऐसे हम लोग विचलित हो जाते हैं, अरे ये तो मेरा मित्र था, उसने ऐसा कैसे बोल दिया। कभी कभी भगवान जो सबके हृदय में निवास करता है, वो ऐसा कुछ कार्य कराना चाहते हैं हमसे, तो उनके मुख से हमारे लिए कुछ बोल देते हैं। वो बेचारे क्या करें, जब भगवान ही उन्हें उकसा रहे तो हम क्या करें। सुरुचि ने कहा कि ध्रुव, बेटा ध्रुव, निश्चित रूप से तुम राजा के पुत्र हो, लेकिन तुम रानी के पुत्र नहीं हो, तुम एक दासी पुत्र हो। विवाह हुआ था राजा का सुनिधि के साथ प्रथम, लेकिन कंट्रोल कर लिया सुरुचि ने उत्तानपाद जी को, तब ये रोब झाड़ रही है। वे कहती है, क्या कह रही है वो, कि तुमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है ध्रुव। बोले माँ कौन सी गलती। देखिए ध्रुव इतना इनोसेंट था, ध्रुव को ये पता नहीं था कि ये दोनों मेरी माताएं हैं, यही उसकी धारणा थी। उसके प्रति अब तक, इस घटना तक ध्रुव को ये भेदभाव नहीं था कि ये इस माँ के प्रति, ये माँ मुझसे प्रेम नहीं करती। ध्रुव का तो ये भावना था कि दोनों माताएं मुझसे प्रेम करती हैं, लेकिन इस घटना से ध्रुव को पता चला। 5 साल का छोटा सा ध्रुव से क्या पता होता था ये सब। तो उसने कहा, सुरुचि ने कहा कि ध्रुव तुमसे बहुत बड़ी भूल यह हुई है कि तुमने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया है, तुमने एक दासी के पुत्र से जन्म, दासी के कोख से जन्म लिया है। और राजा के ऐसे कई सारी दासियों के साथ संबंध हो जाते तो क्या सारे क्या राज गद्दी पर आके बैठेंगे। यदि तुम्हें राज गद्दी पर आकर बैठना है तो जाओ और भगवान नारायण से प्रार्थना करो, भगवान नारायण को प्राप्त करो और भगवान नारायण से ये वर मांगो कि मुझे दोबारा जन्म मिले और वो जन्म मुझे तुझे मेरी कोख से मिले, और जब तू दोबारा मेरी कोख से जन्म लेगा तब तुझे इस राजगद्दी पर बैठने का अधिकार प्राप्त होगा। कितनी विचित्र बात है ना। प्रभुपाद जी परपट में लिखते हैं कि इनडायरेक्टली वो ये कह रही है, जाओ और आत्महत्या कर लो, कि तुम्हारा इस जन्म में तो कुछ होने वाला है नहीं, तो दासी के पुत्र तुम्हारी क्या औकात है, राजा बनने के सपने तुम छोड़ दो, गोद में बैठने नहीं दूंगी तुम्हें मैं। जब गोद में बैठने को नाटक कर रही है तब राजा आगे जाके राज्य कैसे करेगी, क्योंकि राज्य तो ध्रुव का था, क्योंकि बड़ी पत्नी का पुत्र था। अब ध्रुव ने ये घटना उनके जीवन में जो हुई, ध्रुव के जिस तरह से एक सांप को जब मारा जाता है तो वो फुफकारने लगता है ना, उसी तरह से ध्रुव एकदम क्षत्रिय था ध्रुव। तो उसको जब चोट लग गई हृदय में तो वो चोट के कारण वो रोते हुए रोष में वो अपनी माँ के पास चला गया, सुनिधि के पास चला जाता है। और अचानक से सुनिधि अपने
बेटे को रोते हुए आते देखकर उसे अपने तुरंत अपने छाती से लगा लेती हैं और छाती से लगाकर पूछती है, बेटा क्या हुआ? तो ध्रुव रोता रहता है, ध्रुव रो ही रहा था। फिर कुछ दासियों से उसकी माँ ने पूछा कि क्या हुआ। अब जब सारी घटना सुनी तब ध्रुव महाराज की जो माँ थी उसका जो कोमल सा सुंदर जो मुख था वो मुरझा गया कि अपने सौत के मुँह से ऐसी कटु बात सुनी कि कोमल सा, श्रीमद् भागवत में लिखते हैं, मैत्रेय कहते हैं कोमल सा मुख था उसका, कोमल के फूलों के समान सुकुमार मुख था उसका, लेकिन वो मुरझा गया। और ध्रुव की माँ सुनी थी रोने लगी, लेकिन उसने धीरज बांधा। क्या धीरज बांधा कि सोच रही थी ध्रुव को इस समय मार्गदर्शन करना चाहिए, इसलिए वो अपने आप को धीरज बांध रही थी। और उसने धीरतापूर्वक ध्रुव से कहा, बेटा तुम्हारी सौतेली माँ ने जो तुम्हें तुम्हारे बारे में जो तुम्हें उपदेश दिया है वो बिल्कुल सही उपदेश है। ये मत देखो कि किसने उपदेश दिया है, कैसे उपदेश दिया है, लेकिन क्या उपदेश दिया है ये देखो। ध्रुव जो वो कह रही है उसे करो। ध्रुव भी एकदम आश्चर्यचकित होकर अपने माँ की तरफ देख रहे थे कि माँ क्या कह रही हो। तो बेटे तो माँ ने कहा, बेटा तुम्हारे जो परम पिता ब्रह्मा जी जो है, वो ब्रह्मा जी आज उस पद पर है उसका कारण है कि उन्होंने भगवान श्री हरि की भक्ति की है, और उस भक्ति के बल पर आज वो ब्रह्मा जी के पोस्ट पर बैठे हुए हैं। तुम्हारे पिता के पिता स्वयंभू मनु आज स्वयंभू, आज मनु महाराज इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने बहुत सारे यज्ञ आदि किए हैं, बहुत सारे वैष्णव की सेवा की है, भगवान की भक्ति की है, और उसके बल पर आज वो मनु महाराज है। अपने पिता का नाम नहीं लिया उसने, पितृ बेटे के लिए तो सबसे आदर्श पिता होते हैं, लेकिन उसकी माँ ने उनका उदाहरण ना देते हुए उन्होंने केवल उनके दादा और परदादा का उदाहरण दे दिया और ध्रुव को विश्वास दिला दिया कि ध्रुव यदि तुम्हारी इस इच्छा को कोई पूरा कर सकने में किसी का सामर्थ्य है तो वो केवल और केवल भगवान श्री हरि में है। जीव का प्रारब्ध बदलने का अगर सामर्थ्य किसी में है वो केवल भगवान श्री हरि में है। किसी भी देवता में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वह आपका प्रारब्ध बदल दे। अभी देवताओं की जरा विचार करना चाहिए, देवता भगवान के भक्त है, हम उनका उस मामले में सम्मान करते हैं, लेकिन उनका हम भजन नहीं कर सकते, उनकी भक्ति नहीं करनी चाहिए। ब्रजवासी लोग सालों 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 इंद्र की पूजा करते थे, एक साल नहीं की तो वही इंद्र उनको मारने पर टूट गया। ये देवता है, सालों पूजा कर रहे थे ब्रजवासी लोग, एक साल बस एक साल कृष्ण की बात मानकर उन ब्रजवासियों ने इंद्र की पूजा नहीं की, तो उसी इंद्र ने इतने वर्षों की पूजा को ध्यान नहीं दिया, एक वर्ष पूजा नहीं की, इसलिए संवर्तक नाम के जो बादल थे उन्हें बुलाकर उनका विनाश करने हेतु उन्होंने भेज दिया। ये देवताओं की मानसिकता है। ये भगवान कैसे है, स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया, थोड़ी सी भी सेवा के जो बहुत बड़ा मानते हैं, सुमेरु पर्वत के समान देखते हैं। आप थोड़ी सेवा करेंगे तो भगवान ये देखते हैं कि हाँ सुमेरु पर्वत के समान इसने मेरी सेवा की है, और आपसे और आपके बहुत बड़े संकट से भगवान रक्षा कर देंगे। और देवताओं के लिए आप सुमेरु पर्वत के समान करेंगे ना तो देवता सोचते हैं ये क्या है, छोटा सा कार्य कर दिया, कौन सी बड़ी बात है। तो ये अंतर है स्वभाव में। ध्रुव महाराज की माँ
ध्रुव महाराज को आदेश दी, बेटा जा और श्री नारायण का आश्रय ग्रहण कर। ध्रुव पूछता है, माँ नारायण कहाँ प्राप्त होंगे, कहाँ मिलेंगे? बोला, वन में। सारे साधु जन वही जाकर उनकी प्राप्ति करते हैं, गृहस्थ लोग वानप्रस्थ लेकर वन में ही जाते हैं और वहीं पर उनकी प्राप्ति होती है। तू भी वन में चला जा, मेरा आशीर्वाद है बेटा, जा तू। ध्रुव महाराज 5 साल का बालक था। विचार कीजिए, आपके घर पे कोई आसपास में 5 साल का बालक है, क्या आप उसको छोड़ देंगे ऐसे रास्ते, दरवाजा खोल देंगे, बोलेंगे बेटा जा, तो भगवत प्राप्ति करने के लिए जा, छोड़ देंगे आप? आजकल स्कूल भेजने के लिए तो विचार करना पड़ता है कि हाँ, गाड़ी पिकअप करने वाली डोर से पिकअप होने वाला डोर से स्कूल ड्रॉप करेगी, स्कूल से ड्रॉप करके फिर से डोर पे ड्रॉप करेगी, ये सुविधा चाहिए, देखनी पड़ती है। मेरे बेटा बेटी जब वो लोग स्कूल जाते हैं तो मैसेज आता है मुझे, मैसेज कि आपकी योर सन हैज़ एंटर द स्कूल। जो स्कूल से छूटता है तो मैसेज आता है कि योर सन हैज़ लेफ्ट द स्कूल। ये सब क्यों? भय होता है इन लोगों में। तो यहाँ पर एक माँ अपने 5 साल के छोटे बेटे को बोल रही कि जा भगवत प्राप्ति करके ही लौटना। ध्रुव महाराज अपने माँ का आशीर्वाद प्राप्त करके जाते हैं और अब देखिए भगवान कैसे कार्य करते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, वो कहते हैं कि भगवान हम सबके हृदय में है लेकिन यूजलेस है। हाँ, क्या बोलते हैं? यूजलेस, क्योंकि बहुत सारे लोग संसार में हैं जो गलत कार्य करते हैं, उन्हें तो रोकते नहीं भगवान। जो कुछ भी प्रारब्ध के अनुसार होने वाला है तो उसको सैंक्शन कर देते हैं। किसी ने आपको पहले धोखा दिया होगा तो आपको अभी धोखा देने की इच्छा बनी हुई है तो उसे देना ही है धोखा, दे दो, भगवान सैंक्शन कर देते हैं। कोई अच्छा करने वाला होगा, कोई बुरा करने होगा तो भगवान इंटरफेयर नहीं करते। तो भगवान तो क्या करते हैं? यूजलेस है, क्या फ़ायदा? भगवान हृदय में है, क्या फ़ायदा? फायदा है ना, जब वह जीव ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, ऐसा भाग्यवान जीव जिसके हृदय में लालसा हो जाती है कि मुझे ये भगवान कौन है ये जानने की इच्छा हो जाती है और ये हरे कृष्ण वाले क्या करते रहते ये जानने की लालसा हो जाती है, तो भगवान उसको नोट करते हैं हृदय में। भगवान हम सबके हृदय में है और हम सबके हृदय में कब कब कौन से संकल्प उठते हैं भगवान को सब पता होता है। हमें पता नहीं हो कि हम 1 साल पहले कौन सा संकल्प किया था, लेकिन भगवान को बराबर याद होता है। तो भगवान जब वो जीव भगवत अततो ब्रह्म जिज्ञासा भगवान को जानने के लिए जिज्ञासा करता है तब हृदय में जो भगवान है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, यूजफुल हो जाते हैं और क्या करते हैं? भक्तों को साधुओं को जीव के पास भेज देते हैं। यहाँ पर ध्रुव महाराज भगवत प्राप्ति करने हेतु जा रहे थे, कुछ पता नहीं है राइट जाना है कि लेफ्ट जाना है, बस जाना है, वन में घुसना है, क्या करना है, किसको मिलना है, कुछ पता नहीं है, बस माँ का आशीर्वाद है भगवान को प्राप्त करने के लिए निकल जाना है। तो ध्रुव महाराज निकल गए। भगवान हृदय में रहते हैं, तो भगवान ने नारद जी को अंदर से अंदर ही फोन लगा दिया कि जाओ ध्रुव महाराज के पास जाओ। देखिए दो प्रभुपाद जी परपट में दो प्रकार के चीज़ें बताते हैं। वो बताते हैं कि नारद जी वैसे तो त्रिकालदर्शी हैं, जो भगवान की शक्ति है, जो भगवान के पास शक्ति है वो भगवान की कृपा से नारद जी के पास भी है, सबके हृदय में कब क्या हो रहा है सब उनको पता होता है। लेकिन
प्रभुपाद जी ये भी बताते हैं कि हृदय में भगवान है तो भगवान ही गुरु के रूप में जीव के सामने प्रकट होते हैं, भगवान ही प्रेरित करते हैं साधुओं को, जाओ इस भक्त की मदद करो। और नारद जी वहाँ पर ध्रुव की मदद करने के लिए पहुँचते हैं। और फिर क्या होता है, बाहर से आध्यात्मिक गुरु शिक्षा देते हैं या शिक्षा गुरु शिक्षा देते हैं, और हृदय से भगवान चैत्य गुरु के रूप में उस जीव की सहायता करते हैं। ऐसा दोनों मिलकर उसकी ट्रेनिंग, इसको ट्रेनिंग देते हैं और उसका उद्धार करते हैं और कृष्ण की तरफ बढ़ने के लिए उसको प्रेरित करते हैं। तो ये साइंस है। मैं विदेश में जाता हूँ तो लोगों को बताता हूँ कि प्रीचिंग क्या होता है, समझना चाहिए। जब कोई भक्त हमारे पास आता है तब हमें, जब कोई भक्त नहीं, कोई साधारण व्यक्ति जब हमारे पास आता है, भगवान के बारे में जिज्ञासु व्यक्ति होता है, तो भगवान वास्तव में उसे प्रेरित करते हैं हृदय से, तब वो आता है, भगवान उसको लेकर आता है हमारे पास। कितना सुकृत रहता है उसका, वो सुकृतों का फल होता है कि अब उसको वैष्णव के दर्शन होने वाले हैं, वैष्णव की संगति प्राप्त होने वाली है, तो भगवान उसको कई तरह से प्रेरित करके लाते हैं। तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है, बाहर से जो हमारा जो शिक्षा गुरु के रूप में हमें भगवान के गुण रूप लीला आदि को प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुण, भगवान के रूप, भगवान के लीला में इतनी शक्ति है कि जब संसार के बद्ध जीवन को सुनते हैं तो वे कृष्ण की तरफ बढ़ जाते हैं। जब प्रभुपाद जी विदेश में गए थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने हरिनाम संकीर्तन किया था और भगवान के गुण रूप लीला आदि को भगवद गीता, भागवत, चैतन्य चरितामृत में से प्रकाशित किया। बोलते थे भगवान के बारे में। जो विदेशी लोग वहाँ पर जो थे, उपस्थित थे, वे लोग कैसे थे, नवसिखिए थे एकदम। उन्हें राम कौन थे, कृष्ण कौन थे, महाप्रभु कौन थे, कुछ नहीं पता था। लेकिन सुनते गए और क्या हुआ, धीरे धीरे कृष्ण को समझने लगे। तो बाहर से प्रभुपाद जी बोल रहे थे और अंदर से चैत्य गुरु उनकी सहायता कर रहे थे, प्रभुपाद जी जो बोल रहे उसको समझने के लिए सहायता कर रहे थे। तो इस तरह से भगवान सदैव हमेशा जीव का साथ देते हैं। तो नारद जी जब ध्रुव के पास पहुँचे तो नारद जी ने उसके सर पर हाथ फेरा और नारद जी उसके जोश को देखकर, उसको भगवत प्राप्ति की जो लालसा थी उसको देखकर नारद जी भी एकदम अचंभित हो गए। वाह, क्षत्रिय स्वभाव। और क्षत्रिय स्वभाव कहाँ पर केंद्रित, क्षत्रिय स्वभाव है लेकिन वो शक्ति कहाँ पर लगा रहा है, ध्रुव भगवत प्राप्ति करने के लिए। तो नारद जी ध्रुव को समझाते हैं, बेटा तेरी खेलने कूदने की उम्र है, क्या है सब भगवत प्राप्ति करने के लिए जा रहा है, भगवत प्राप्ति करना इतना आसान है क्या, अरे नारायण इतने आसानी से प्राप्त होंगे क्या, नारायण को प्राप्त करने के लिए हजारों हजारों सालों से योगी लोग भटक रहे हैं, तपस्या में लीन है, और तुझे इतने आसानी से मिल जाएंगे, चल मेरे साथ, कहाँ बैठना है तुझे, अपने पिता के गोद में बैठा दूंगा तुझे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बोल दूंगा तो पिताजी तुझे गोद में क्या सर पर बिठा देंगे, चल। तो ध्रुव ने कहा, नारद जी नहीं, मुझे अब वो पद नहीं चाहिए, मुझे अब में उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, जिस सीट पर मेरे पिताजी बैठे वो मुझे पद ही नहीं चाहिए, तो फिर तुझे क्या चाहिए, मुझे वो पद चाहिए जो मेरे पिता के पास नहीं है, जो मेरे पिता के पास नहीं है, जो ब्रह्मा जी के पास भी नहीं है, मुझे ऐसे पद को प्राप्त करने की लालसा अभी जागृत हो चुकी है, मुझे वो पद अभी चाहिए, मुझे आई अब मुझे ये सब छोटे मोटे पद नहीं चाहिए। तब नारद जी को बड़ा अच्छा लगा,
जब आध्यात्मिक गुरु देखते हैं ना कि शिष्य शिष्य के हृदय में भगवान को प्राप्त करने की इतनी लालसा होती है, तो गुरु आध्यात्मिक गुरु का हृदय भी गदगद हो जाता है। तो वे भी भगवान से प्रार्थना करते हैं, वे भी आशीर्वाद देते हैं, वे भी मार्गदर्शन करते हैं और गुह्य से गुह्य ज्ञान उसको बताते हैं। देखिए महाराज परीक्षित को शाप मिला था कि 7 दिन में उनकी मृत्यु होने वाली है, लेकिन महाराज परीक्षित 7 दिन में महाराज परीक्षित इतनी योग्यता तो रखते थे कि वो शाप को निरस्त कर सकते थे। भाई महाराज परीक्षित थे वो, चित्रकेतु महाराज में भी इतना सामर्थ्य था कि पार्वती का दिया शाप निरस्त कर सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। महाराज परीक्षित ने ऐसा नहीं किया, महाराज परीक्षित ने इसको भगवान की इच्छा मानकर गंगा के तट पर चले गए और गंगा के तट पर जाकर साधुओं का इंतज़ार करने लगे और वहाँ पर बारी बारी से पूरे ब्रह्मांड से सारे मुनि महामुनि सारे महाजन सारे देवता लोग उतर रहे थे वहाँ पर, सारे देवर्षि लोग उतर रहे थे वहाँ पर, और कुछ तो ये देखने आए थे कि ये महाराज परीक्षित जिन्हें शाप मिला हुआ है वो अभी क्या करेंगे, जिनके जन्म के समय ये जब अपने माँ के गोद में थे कोक में थे तब भगवान इनकी रक्षा करने हेतु इनकी गर्भ माँ के गर्भ में प्रवेश किए थे, अब ये मरने वाले हैं तो भगवान तो जा चुके हैं, अब भगवान क्या करते हैं ये देखने की लालसा से कुछ ऋषि लोग आए हुए थे। लेकिन महाराज परीक्षित की इतनी दृढ़ लालसा थी कि मुझे भगवान को प्राप्त करना ही है, इसलिए उन्होंने 2 प्रश्न पूछे साधुओं के समाज से कि ऐसा कौन सा कार्य है जो सदैव करना चाहिए और ऐसा कौन सा कार्य है जिसको करना चाहिए वो किसमें जिसके आयु में केवल 7 दिन बचे हो, जिसके जीवन में 7 दिन बचे उसको क्या करना चाहिए। तो चर्चा होने लग गई और सारे तो भक्त तो थे नहीं, सारे जो समाज आया हुआ था कोई ब्रह्मज्ञानी था कोई ज्ञानी था कोई क्या था, तो किसी ने क्या उपदेश दिया। उसमें वेदव्यास जी भी थे, नारद जी भी थे, मौन थे एकदम, अन्य सब लोग चर्चा चल रही थी, बोल रहे थे, सब अलग अलग प्रकार के उपदेश दे रहे थे। उसी क्षण वहाँ पर व्यासनंदन सुखदेव गोस्वामी वहाँ पर आते हैं और व्यासनंदन सुखदेव गोस्वामी को देखकर ये सारा जो ऋषियों का समाज है ये सारा उठकर उनका सत्कार करता है, उनका स्वागत करता है। एक 16 वर्षीय सुखदेव गोस्वामी को देखकर ये हजारों हजारों वर्ष की आयु वाले ऋषि लोग उठकर खड़े होते हैं, सम्मान करते हैं। क्यों? क्योंकि उन सबको पता है सुखदेव गोस्वामी एक महाभागवत थे और भगवान की इच्छा से ही वे यहाँ पर पधारे हैं महाराज परीक्षित का उद्धार करने हेतु। तो उन्होंने महाराज परीक्षित को कहा कि हे परीक्षित धन्य हो तुम, धन्य हो, तुम्हारे लिए साक्षात सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर आए हैं, जाओ उनका आश्रय ग्रहण करो। तो सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से आश्रय ग्रहण करते हैं, उनसे श्रीमद् भागवतम सुनते हैं, 7 दिन 7 रात भागवतम सुनते थे उन लोग पूरा, ऐसा नहीं अब 1-2 घंटे का सेशन नहीं था, वो दिन रात चल रहा था और पूरी भागवत श्रवण करने के पश्चात महाराज परीक्षित अपने गुरु से कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी से कहते हैं, अनुजान ही माम ब्रह्मन वाशम यश्चामि अधोक्षजे मुक्त कामाशयम चेता प्रवेश विसृजामि असुन। वे कहते हैं गुरु महाराज आपकी कृपा से मैंने जो भगवत विषय जो दिव्य ज्ञान प्राप्त किया है इससे मेरा सारा जो हृदय का कलमश है वो नष्ट हो चुका है और मेरी मति बड़ी आसानी से भगवान अधोक्षज के चरण कमल में स्थिर हो रही है, अब मुझे अनुमति दीजिए कि मैं अपने प्राणों को त्याग कर सकूं। देखिए महाराज परीक्षित को शाप था कि ये तक्षक नाम के सर्प से इनकी मृत्यु होने वाली है, लेकिन यहाँ पर ये अपने गुरु जी से अनुमति मांग रहे हैं कि हे गुरुदेव मेरी मति को मैं भगवान में स्थिर करते हुए मैं अपने शरीर को छोड़ना चाहता हूँ। तो ये भागवत की कृपा है, ये सुखदेव गोस्वामी की कृपा है, ये श्रीमद् भागवत की कृपा है कि महाराज परीक्षित ने तक्षक आने से पहले अपने जीवन को परफेक्ट कर लिया। तो यहाँ पर ध्रुव महाराज
नारद जी से अपेक्षा कर रहे थे कि वो मार्ग बताएंगे, लेकिन ध्रुव महाराज की तो परीक्षा चल रही थी, तो नारद जी तो परीक्षा में परीक्षा ले रहे थे, तुम्हें मैं ये दे दूंगा, तुम्हें वो दे दूंगा। तो ध्रुव महाराज ने स्पष्ट कह दिया, मुझे मेरी माँ ने रास्ता बता दिया है, अगर आप उसमें सहायता करेंगे तो अच्छी बात है, मैं तो जय श्री राधे। तो ध्रुव नारद मुनि प्रसन्न हो गए और नारद मुनि ने कहा, बेटा यहाँ से सीधे मधुवन जाना, ब्रजमंडल में मधुवन है, सीधे वहीं जाना। और फिर उन्होंने मंत्र दे दिया और कहा, आज से 6 महीने के पश्चात साक्षात श्री हरि तेरे सामने प्रकट होंगे। तो ये उपदेश दिया, आदेश दिया और वे वहाँ से चले गए। तो नारद जी ने ध्रुव को तो भेज दिया, अब नारद जी तो नारद जी है, नारद जी गए उत्तानपाद के पास, सब कुछ जानते हैं, लेकिन नारद जी पहुँचे उत्तानपाद के पास, क्या आवश्यकता थी उत्तानपाद जी के पास जाने के लिए, तो ये हम कल जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। किसी को ये प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। जी प्रभु जी, जी जी भगवान बुद्धि देते हैं कि तुमने पिछले जन्म में ये कांड किया था, अब दोबारा ये अवसर आया है, दोबारा मत करना, तो भगवान आपको सद्बुद्धि देंगे। भगवान कैसे देंगे, हृदय से प्रेरित तो करेंगे ही, लेकिन हमारी ये दुर्दशा है कि हम भगवान के जो हृदय के सिग्नल है उसको पकड़ नहीं पाते, इसलिए साधुओं के मुख से वो बुलवाते हैं। इसलिए साधुओं का आदेशों का पालन करना चाहिए। अगर जीवन में दुविधा हो जाए, संदेह हो जाए, इसलिए भगवान के भक्तों का आश्रय ग्रहण करना चाहिए और उनके मार्गदर्शन में समस्या को सुलझाना चाहिए। देखिए, जो होने वाला है तो होगा, लेकिन टल सकता है यदि भगवान, क्योंकि हम लोग भगवान का भक्ति करते हैं, तो हमारा जो फाइल है वो भगवान के पास है, यमराज जी के पास तो है नहीं, भगवान के पास फाइल है हमारी, तो भगवान मिनिमाइज़ कर देते हैं, और जो मिनिमाइज़ कर देते हैं उसमें भी सहायता करते हैं कि वो भी ना मिले, इसलिए फिर साधु होते हैं। जैसे एक प्रसंग है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास एक सज्जन आते हैं, सज्जन की आयु होती है 45 वर्ष की, और वे सज्जन का, इन सज्जन के परिवार में इतिहास था कि 45 वर्ष की आयु में हर एक उनके फैमिली में जो कोई पुरुष था वो मर जाता था, उनके परदादा, उनके दादा, उनके पिता, अब उनकी बारी थी, और वो एक निर्धारित दिन था, उस निर्धारित दिन पे मर जाते थे वो। अब किसी ने इन सज्जन व्यक्ति को भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बारे में बता दिया कि ऐसे ऐसे साधु है, तो जाके मिल लो, मरना तो है तो जाके मिल लो। तो वे चले जाते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के आध्यात्मिक गुरु हैं। तो वे सज्जन जाते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के सामने, अपनी स्थिति को रखते हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि क्या जो जो मैं कहूँगा वो करोगे? तो कहते, निश्चित करेंगे, यदि आप मेरे प्राणों की रक्षा करेंगे तो जो आप बोलेंगे वो करूँगा। तुरंत भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने माला निकाल के दे दी, वाले प्राणों का टेंशन मत लेना, वो मैं देख लूँगा, तुम आज से 64 माला जप करना चालू करो, अखंड हरि नाम जप करना चाहिए, तो आप मेरी प्राणों की रक्षा करेंगे, निश्चित करेंगे, आप जाओ। तो वह सज्जन व्यक्ति, आध्यात्मिक गुरु, जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की बात को मानते हैं और भगवान का आश्रय ग्रहण करता है और नाम जप करने लगता है,
जब हम वरिष्ठों के आदेशों का पालन करके भक्ति करते हैं वो जल्दी फलित होती है, भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। अपनी मनमानी भक्ति करेंगे तो कुछ नहीं होता है, इसलिए साधुओं के मार्गदर्शन में की हुई भक्ति जल्दी फलित होती है। तो वो सज्जन व्यक्ति ने भगवान का आश्रय ग्रहण किया था, रात भर जप करते रहे, क्योंकि वो रात को ही मृत्यु होने वाली थी उनकी, उस समय था, वो समय टल गया। दूसरे दिन सुबह सुबह दौड़कर भक्ति सिद्धांत सड़कर के पास गए, उनका आश्रय ग्रहण किया, उनसे उनके शिष्य बन गए और एक बहुत अच्छे सन्यासी के रूप में सन्यासी शिष्य थे उनके वो। तो आध्यात्मिक गुरु साधुजन ये भगवान के प्रतिनिधि होते हैं और वो चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो जिस तरह से विष्णु दूत ने अजामिल की रक्षा की थी, वैसे ही ये साधुजन भगवान के जो प्रेमी भक्त है वो संसार में रहते हैं और क्या करते हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। और किसी का प्रश्न? चले, हरे कृष्ण। प्रभु जी, प्रभु जी कुछ कमेंट?